नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 4:45 हो चुके हैं और वक्त हो चला है आपकी और हमारी मुलाकात का। मैं हूं शोएब और मेरे साथ है देवेंद्र। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। प्लास्टिक महंगा नहीं होता, इसीलिए यह अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और एक बार उपयोग करने के बाद ज्यादातर लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन बैग्स को फेंक देते हैं। इससे भूमि और साथ ही महासागरों में प्रदूषण दर बढ़ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो जल, मृदा और वायु को दूषित कर देता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने कुछ बाल साथियों से बात करते हैं कि वो प्लास्टिक के बारे में क्या जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन है और मैं जमुना घाट से आया हूँ। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये जल्दी से गलती नहीं है और वायु प्रदूषण आदि सब चीजों का कारण बनती है ये। मेरा नाम अमरनाथ है, मैं चांदनी चौक से आया हूँ। आप जानते हैं प्लास्टिक बहुत बढ़ रही है, दुकानों में पन्नी देते हैं, हर चीज में प्लास्टिक देते हैं, और प्लास्टिक गलती नहीं है, उससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिससे हमें बीमारियां पैदा करती हैं। ये बीमारियां पैदा करती हैं, थैला लेके जाओगे तो पन्नी कम हो सकती है, इससे प्लास्टिक की चीजें ना लें। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, हमने बहाने से छुपके माने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गल लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा दे। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा दे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है, और आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक का आविष्कार इंग्लैंड के अलेक्जेंडर बॉक्स ने सन 1862 में किया था। पता है श्वेप, पूरे विश्व में प्लास्टिक का उपयोग भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसके आंकड़ों के अनुसार सन 1990 से देश में प्लास्टिक की खपत 2000 टन थी, जो कि अब बढ़कर 3-4 लाख टन तक हो चुकी है, जो कि भविष्य के लिए खतरे का सूचक बन चुका है। क्योंकि जहां जहां मानव ने पैर रखा है वहां वहां प्लास्टिक का प्रदूषण फैल चुका है, यहां तक कि यह हिमालय के वादियों में भी पहुंच चुका है। यह इतना आगे बढ़ चुका है कि सरकार भी इसके लिए अभियान चला रही है, जैसे प्लास्टिक मुक्त अभियान। प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं अपने विषय विशेषज्ञ से, जिनसे बात करेंगे हमारे बाल पत्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीना और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर है प्रोफेसर देवेंद्र मोहन कुमावत, हेड पर्यावरण विज्ञान विभाग विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। प्यारे बच्चों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पहले तो। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बहुत होता है, तो सर आप बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी में इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है? सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि हम लोग पूरी तरह से हर छोटे से बड़े काम के लिए प्लास्टिक पर निर्भर करने लग गए हैं। जैसे छोटी सी बात से हम शुरू करें कि हम सब्जी लेने गए या हम किराना स्टोर से पर गए, तो वहां पर भी हमने प्लास्टिक की थैली ली, या जो आजकल पॉलीथीन हो गया है, पतले जो पॉलीथीन बैग मिलते हैं उनमें हमने सब्जी ली या किराने का सामान लिया या और कोई वस्तु ली, वस्त्र वगैरह लिए, स्टोर्स में भी मिलते हैं। और उसके दुष्प्रभावों में अगर हम देखें तो यही, जैसे हम दूध की थैलियां ले लेते हैं वो भी प्लास्टिक थैली में आती है, और उसको हमने जो दूध था उसका उपयोग कर लिया, लेकिन थैली को हमने बाहर
कहीं छोड़ दिया या किसी तरह से वो डस्टबिन में भी डाल दी, तो वहां से भी जो है गाय है या हमारे जो दूसरे पशु हैं, कुत्ते हैं, छोटे पशु पक्षी हैं, इसी तरह से हम समुद्र में भी इसको छोड़ते हैं और ये लोग खा लेते हैं उसको, थोड़ा सा उसमें दूध की वजह से या और कोई खाद्य वस्तु रही हो उसकी वजह से, तो पशु पक्षियों के भी ये आंतों में फंस जाता है और वहाँ बहुत नुकसान करता है। इसके अंदर कई हानिकारक और जहरीले पदार्थ भी होते हैं। इसी तरह से एक हानिकारक पदार्थ जैसे स्टाइरीन ट्राइमर होता है, बिसफिनॉल ए, ये बहुत घातक होता है और इससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, हमारे पाचन शक्ति में भी, पाचन शक्ति में भी कमजोर हो सकते हैं। प्लस इसी तरह जो हमारी जो पृथ्वी है या भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको कह सकते हैं, खेती की जमीन है, उसमें भी ये प्लास्टिक उड़ उड़ के पहुंच रहा है और मृदा में रहने वाले जो सूक्ष्म लाभकारी जीव है, हमारे बैक्टीरिया हैं, कुछ केंचुए हैं, इनको भी ये हानि पहुंचा रहा है और हमारी मृदा शक्ति को भी, भूमि की मृदा शक्ति को भी ये कम कर रहा है। साथ ही जितने हमारे जैसे जल के स्रोत हैं, क्योंकि कभी भूमि में जाते हैं या दूसरा पानी में पहुंच जाते हैं उड़ के या हमारे फेंकने से भी, अब वो भी जो है जल स्रोतों में जो मिल रहा है, तो नदी नाले हमारे जितने हैं छोटे जल स्रोत हैं, उसमें भी जो उसका बहाव है वो भी कम हो रहा है, प्रवाह में भी कमी आ रही है और साथ में छोटे पाइपलाइन वगैरह में चोक करता है ये उसको, पानी के प्रवाह को रोकता है और साथ ही जल प्रदूषण में भी सहयोग दे रहा है, कर रहा है ये। तीसरी अगर हम छोटी सी चीज देखें कि प्लास्टिक की, यदि कोई हमने बोतल फेंक दी या ऐसे प्लास्टिक के बैग वगैरह छोटे मोटे कहीं छोड़ दिए, तो अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा और मच्छरों को भी पनपने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी, हमारे जो है मच्छरों से जनित जो है या जो पानी जनित रोग हैं ये सब भी फैलने के कारण में भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से काम कर रहा है। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे दुष्परिणाम ये हम के जो है हमें उठाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, उठा भी रहे हैं और उठाते रहेंगे यदि हम आज भी जागरूक नहीं हुए तो। प्लास्टिक से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के जो है उपाय तो बहुत सरल भी है और उतने ही क्लिष्ट भी है। सबसे पहली चीज है उसको इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कैसे हम कम करें, उपयोग का जितना उपयोग और उपभोग उसका कम कर सकते हैं नुकसानदेह चीजों का, उतना ही हमारे लिए या हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए कारगर होगा। और हम जितना ज्यादा हम जैव अपघटित वस्तुओं का या बायोडिग्रेडेबल चीजों का अगर हम उपयोग करें, यानी हम छोटी सी चीज कर लें कि एक जैसे एक थैली रख लें हमारे साथ, हम हमेशा बैग लेके चलते हैं, कैरी बैग होते हैं हमारे, उसी तरह से यदि हम एक झोला रख लें, कहीं भी छोटी सी चीज जरूरत पड़ गई तुरंत हमने उसमें ले लिया, सब्जी मार्केट है आपका वहां जाए तो देख लें बस किसी तरह से। और तीसरा जो हम इसमें कर सकते हैं वो है उचित निपटान, मतलब किस तरह से हम इसका डिस्पोजल जो है उचित तरीके से करें, ऐसा करें कि वो पर्यावरण में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में न पहुंचकर वो सीधा जहां भी इसको जाना है, या तो रिसाइकलिंग के जाना है, पुनः चक्रण के लिए जाना है, पुनरुपयोग के लिए जाना है, जैसा भी उसका सही हम उसका निपटान करें उचित, ये एक दो तीन चीजें हैं। और एक नया जो आजकल जरा है कॉन्सेप्ट चला है, जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, या शून्य अपशिष्ट। तो शून्य अपशिष्ट में बहुत सीधा है कि हम हमारा जो उत्पादन है, उपभोग है और जो पुनः चक्रण है या पुनः उपयोग जो कर रहे हैं हम उस चीज का, वो इस तरह से करें उत्पादन, उपभोग और पुनः चक्रण की शून्य जो है अपशिष्ट जनरेट हो, और उससे जो है हम वो हम धीरे धीरे कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। एक पहले अपने स्वयं को बदलें, फिर अपने घर को बदलें, फिर अपने मोहल्ले को बदलें, शहर को बदलें, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हम ये बदलाव पूरे विश्व में ला सकते हैं। कई देशों ने इसकी पहल कर दी है और आम जनता जो है या आम नागरिक जो है उसे इस तरह से करना होगा। प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए सरकार तो अपनी ओर से जो भी उचित कदम हो सकते हैं, हर प्रदेश की, हर राष्ट्र की सरकारें कुछ न कुछ कर रही हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का 2015 में ड्राफ्ट तैयार किया गया था और अभी 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम का भी वो किया गया है, नियम बनाए गए हैं, एक्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन उसमें और भी चीजें हैं, खासतौर पे जैसे कि जो पतले पॉलिथीन हैं या जो जिनका पुनः चक्रण किया जा रहा है उनको पूर्ण रूप से बैन किया गया है, और हमारे जो प्रदूषण निवारण मंडल हैं राज्य के और केंद्र के, उन्होंने भी जो है इसको 40 से 50
माइक्रोन मोटी वाली ही शीटों की परमिशन अभी दे रखी है और उससे कम वाले के लिए दंड भी है। और उसके साथ कुछ राज्यों में जो है इसके लिए सरकार ने जो है अपने कार्यालयों में, जो सरकारी कार्यालय है कम से कम उनमें हम प्लास्टिक का सामान कम से कम यूज करें, जल स्रोतों से भी बाहर निकालने कई की मुहिम भी सरकार ने चला रखी है। कई बड़े बड़े जो जल स्रोत हमारे महत्वपूर्ण जल स्रोत है वहां से भी प्लास्टिक का हटाने का जो है सरकारी योजनाएं चल रही है और प्लास्टिक कम करने के लिए भी बहुत सारे मापदंड भी बन गए हैं और उसके साथ उनपे उनका जिसको कहते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी चल रहा है। और इस मामले में अगर हम देखें तो सिक्किम जो है भारत का पहला प्रदेश रहा है जिसमें कि जिसने प्लास्टिक को 1998 में या 1998 में ही प्रतिबंधित कर दिया था और अब तो वो है कि थर्मोकोल व अन्य जो वस्तुएं हैं उनका भी उपयोग बंद कर दिया है उन्होंने। इसी तरह से प्लास्टिक को प्रोत्साहन मतलब सरकार दे रही है कि कुछ इनोवेटिव ऐसे कुछ ऐसी विचार ऐसे आए या जो कोई ऐसे प्रस्ताव ऐसे कुछ आए जिनसे कि प्लास्टिक को कम किया जा सके, प्लास्टिक का कंजम्पशन या उसका उपयोग, उसके लिए भी प्रोत्साहन दे रही है। इनोवेशन के लिए कुछ वो स्कॉलरशिप भी दे रही है सरकार। और उसी में यदि हम देखें तो जैसे देखें कि एक प्रोफेसर राजगोपालन वसुदेवन है मदुरई में जिन्होंने कि प्लास्टिक का सड़क के निर्माण में उपयोग किया है और वो बहुत कारगर हुआ है। और जितना प्लास्टिक हमारा यहाँ वहाँ फैला है उसको किसी तरह से बटोर कर हम यदि अच्छे काम में लगा लें या उसको ऐसे काम में लगाएं जिसमें कि आगे वो हमें वो समस्या न दे, तो ऐसे भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो सरकार का पूरा अपना है, नियमावली है, पूरे प्रयोग कर रही है, पूरी शिद्दत से आम जनता को, आम नागरिक को भी जो है वो कर रही है एड्रेस। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार से भी महत्वपूर्ण हम आम नागरिक को मानते हैं क्योंकि वही अगर शामिल होंगे और उसमें भी खासतौर पर बच्चे, क्योंकि बच्चे जो है वो जाकर अपने को सुधारें, अपने घर को में माता पिता को कह सकते हैं, अपने पड़ोसियों को कह सकते हैं, अपनी गली मोहल्ले में पूरा इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी बच्चे जो है वही आगे जो है भविष्य भी है और इन्हीं को अपने को सुरक्षित भी करना है, इन्हीं लोगों को अपना आप भी सुरक्षित करना है और आने वाले समय को भी सुरक्षित करना है। तो मैं समझता हूँ बच्चों से अच्छा कोई और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता इस चीज को। सर, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एवं वातावरण को जीने लायक बनाने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो बहुत छोटा है मेरा, जैसे हमारे जो गांधी जी भी चाहते थे, महात्मा गांधी ने जो जैसे कहा है कि बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में आप परिवर्तन चाहते हैं देखना वो सबसे पहले स्वयं में लाएं। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम दुरुपयोग की बात करें या हम ऐसे ही कोरी कल्पनाएं करते रहें, बातें करते रहें, उसकी बजाय यदि हम आज से संकल्प लें और शुरू करें किसी भी दिशा में तो बहुत आगे तक जा सकते हैं और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम सुलझा न सकें। पर्यावरण से प्रेम हमें रखना है तो हमें जागरूक होना ही होगा। सर, आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों को और आपने सुना मुझे इसके लिए और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। अगर सुन लो जिसम लेना हम तो बम ये फट जाएगा के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जिसम लेना हम तो बम ये फट जाएगा के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा के कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा के कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9870168989। आप अपने विचार हमें फ़ोन पर SMS या WhatsApp कर सकते हैं। नंबर एक बार दोबारा सुन ले 9870168989। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम
4:45 पर AIRFM रेम्बो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम मतवाले हैं।